हमारा टॉपिक है जावा के ऊपर हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे जावा की कि जावा क्या है प्रोग्रामिंग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामर्स क्या करते हैं या किस चीज़ को आप प्रोग्राम कहते हैं इसके ऊपर हमारी थोड़ी सी डिस्कशन है राइट प्रोग्राम दैट टू एक्म्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क प्रोग्रामर्स को कोई कंप्यूटर बेस्ड टास्क डिफाइन किया जाता है और उसको वो सर्टन स्टैंडर्ड्स पे करते हुए या कुछ कोड करते हैं और उसे प्रोग्राम कहा जाता है एंड यूज़र क्या करते हैं यूज यूज़ प्रोग्राम्स रिटन बाय प्रोग्रामर्स वो उसकी एक्जीक्यूटिबल फॉर्म को यूज़ करते हैं अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ uh, करते रहते हैं मोबाइल्स uh, के अंदर कंप्यूटर्स के अंदर ये सारे के सारे प्रोग्रामर्स ही लिखते हैं कोड्स की सूरत में और ये किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये इंस्ट्रक्शन किसको दी जा रही होती एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शन जो हैं आपके कंप्यूटर के सी को दी जा रही होती हैं है uh, है। और ये एक सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन सेट होता है जो आप एक फ़ाइल के अंदर लिखते हैं एक ख़ास तरीके से आप उन इंस्ट्रक्शनस फा, को फाइल में लिख रहे होते हैं और वो सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं प्रोसेसर को पास ऑन हो रही होते हैं प्रोसेसर उन इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है और आपके सामने एक एक्सिक्यूटिबल फॉर्म या एक सॉफ्टवेयर की शक्ल नजर आ रही होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस कर लें कि वो एनवायरनमेंट्स जिनके अंदर आप बेसिकली uh, प्रोसेसर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं अब यहाँ पर एक बेसिक बात जो आपसे शेयर करनी चाहिए वो ये कि प्रोग्राम सी uh, की जो अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज होती है और वो बहुत ज़्यादा लो लेवल पे है बाइनरी कोड्स बाइनरी या नूमरिक फॉर्म में वो सारी इंस्ट्रक्शनज हैं जो ह्यूमन प्रोग्रामेबल ज़रा मुश्किल हो जाती है तो उसकी वजह से एवॉल्व हुई बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ अब मार्केट में इतने स्टैंडर्ड्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ के और डिफरेंट डोमेन्स के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं तो बहुत सारी लैंग्वेज जो हैं वो मार्केट में पॉपुलर हैं हमारी डिस्कशन जावा पे है जो बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट है इस वक्त मार्केट में और बहुत ज़्यादा अप्रूव की जाती है एक्नॉलेज की जाती है इंडस्ट्री में ये ह्यूमन रीडेबल वे में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो ये बेसिकली ऐसा कोड है या ऐसे स्टाइल में कोड है जो मशीन के लेवल पे नहीं होता ये इंसानी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होता है अ प्रोग्राम इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड सोर्स कोड तो जो भी कोड आप या जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसे जर्नली एक टर्म यूज की जाती है सोर्स कोड और ये नॉर्मली टेक्स्ट फाइल्स के अंदर रखा जाता है जब भी आप इसे खोलें आप दोबारा पढ़ सकते हैं वो ह्यूमन रीडेबल होता है ऑलमोस्ट और ये ट्रांसलेट होता है ये जो ह्यूमन रीडेबल कोड होता है जिसे हम सोर्स कोड कह रहे हैं इसको एक फिर आगे एक सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं कंपाइलर तो उस कंपाइलर को हमारा सोर्स कोड एज अ इनपुट दिया जाता है कंपाइलर हमारे सोर्स कोड के ऊपर डिफरेंट तरह के प्रोसेस करता है जैसे हमारे ग्रामेटिकली uh, हमारे प्रोग्राम को चेक करता है लॉजिकली हमारे प्रोग्राम को चेक करता है और उन तमाम चेकिंग के बाद वो हमारे प्रोग्राम की एक आउटपुट जनरेट करता है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड ऑब्जेक्ट कोड जो है करीब करीब मशीन लैंग्वेज की होता है और ये मशीन अंडरस्टैंडेबल होता है ह्यूमन रीडेबल नहीं रहता जावा इज़ वन ऑफ मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा जो है उन तमाम लैंगवेज़ में से एक मशहूर और बेहतर लैंग्वेज है और ये लेकिन इसमें बड़ा फ़र्क ये है कि बाकी लैंगवेज़ जो मशीन डिपेंडेंट होती हैं या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं जावा जो है प्लेटफॉर्म इनडिपेंडेंट लैंग्वेज है बेसिक एक्टिविटीज़ है. है है. क्या हैं जावा में या प्रोग्राम लिखने में सबसे पहले आप एडिट करते हैं सोर्स को एडिट करने के लिए आपको एक एडिटेड सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसके अंदर आप सोर्स कोड टाइप करते हैं उसके बाद आप एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं यानी सोर्स कोड को फर्दर सेंड करते हैं बिल्ड प्रोग्राम ये बिल्ड जो है ये बेसिकली कंपाइलर है अगर कंपाइलर एरर निकालता है तो आप यहाँ से इस स्टेज पे वापस जाते हैं और एडिटर के ऊपर जाकर दोबारा अपने एरर्स रिमूव करते हैं अगर आपके एरर्स कोई नहीं है तो आप अगली स्टेज पे चले जाते हैं यानी अपने प्रोग्राम को आप टेस्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं रन टाइम पर तो बेसिकली जो है ये स्टेप्स हैं प्रोग्राम लिखने के और उसे चलाने के एक एग्जांपल आपके सामने सोर्स कोड की दी है यहाँ पर तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है और इस क्लास का नाम ही सिंपल प्रोग्राम है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर और इसमें ये एक मेथड है या फंक्शन है इस क्लास के अंदर जिसका नाम है मेन और इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है और ये इंस्ट्रक्शंस जो है बेसिकली आपकी स्क्रीन पे कुछ आउटपुट करेंगे ठीक है तो यहाँ पर इस तरह से हम जावा के अंदर कोड लिख सकते हैं ये क्यों हम यहाँ पर पब्लिक लगा रहे हैं कहाँ पर हम क्लास लगा रहे हैं कहाँ पर हमें मेथड लिखना है ये सब एक स्टैंडर्ड रूल के जरिए आगे हम कोर्स में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे फिलहाल आपके सामने मैंने इस सोर्स कोड की एग्जाम्पल को शेयर किया फर्दर एक सोर्स कोड जो है वो क्या होता है कि उसे हम एक कमांड है जावा सी जावा सी बेसिकली सी फॉर कंपाइलर तो ये जावा का कंपाइलर है इसको हम कंपाइलर को पास करते हैं अपना प्रोग्राम और ये जनरेट कर देता है एक आउटपुट जिसे मैं कह रहा था ऑब्जेक्ट कोड या अगर दूसरी एग्जांपल ये दी है कि अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं यानी आप देख रहे हैं यहाँ मेन क्लास भी है और यहां एक एक्स्ट्रा क्लास भी मौजूद है आपकी फाइल में जब आप कंपाइल करते हैं तो यह जनरेट करता है दो क्लासेस दो ऑब्जेक्ट क्लासेस या ऑब्जेक्ट कोड्स तो यहां से बेसिकली आपको बेसिक आइडिया देने की कोशिश की गई है कि एक प्रोग्राम जब आप लिखते हैं एडिटर में तो उसे कंपाइल किया जा सकता है और कंपाइल करके उसकी इस तरह से ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है इसी तरह से आप देखें बिल्ड प्रोग्राम कंपाइलर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू बाइट कोड बाइट कोड क्या है

एक्सप्लेन किया है जैसे आपने देखा कि इस फाइल में यहाँ पर डबल स्लेश लगे हैं ये एक्चुअली किसको रेफर कर रहे हैं कमेंट्स को इसी तरह से क्लास डिक्लेरेशन इस चीज़ का नाम है यानी यहाँ ये फिक्स कीवर्ड है जब भी आपने जावा में क्लास डिक्लेयर करनी है तो आपने पब्लिक स्पेस क्लास लिखना है आगे जो है ये क्लास का नाम है और ये ऑप्शनल है ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं लेकिन विदाउट स्पेसेस हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप नाम भी रख सकते हैं इसी तरह से आप देखें कि मेथड नेम जो है वो यहां पर है लेकिन इससे पहले जो कुछ लिखा हुआ है ये सब का सब कीवर्ड है तो ये आपको फॉलो करना है इसी तरह से मेथड में आपने आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं स्ट्रेंग टाइप के रे के वो भी फिक्स है वो आपको पास करने हैं और ये मेथड की बॉडी है जो यहाँ स्टार्ट हो रही है और यहाँ एंड इसके दरम्यान आप तमाम स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो डिफरेंट हो सकते हैं इस प्रोग्राम में सिर्फ ये आउटपुट कर रहा है तो यहाँ पर वो आउटपुट स्टेटमेंट लिखी है वरना हम बहुत सारे काम इस जगह पर कर सकते हैं तो यहाँ पर बेसिक आइडिया आपको ये देना था कि किस तरह से आप एक जावा की फाइल में कोड लिख रहे होते हैं जनरली फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रीवियस प्रोग्राम में हमने देखा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और उसमें अप्रोवर्ब तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है और ये एक फंक्शन कॉल ये आपको कैसे पता लग रहा है फंक्शन कॉल है हमेशा याद रखिए कि प्रिंट एलन के बाद पैरेंथिस इस चीज की निशानी है कि यहां पर ये फंक्शन है जबकि सिस्टम डॉट आउट डॉट इसका मतलब है कि ये एक ऑब्जेक्ट है आउट जो है एक ऑब्जेक्ट है ये वेरिएबल की स्टैंडर्ड पे पूरा होता रहा है कि वेरिएबल के बाद आप पैरेंथिस नहीं लगाते लेकिन फंक्शन के बाद आपको पैरेंथिस लगाने होते हैं इसी तरह से स्ट्रिंग जो है ये एक बेसिक बिल्ट इन क्लास है यानी ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जावा में और ये एक वेरिएबल नेम है और यहां पर आपने इसको इनिशलाइज किया है सर्टेन वैल्यू जो स्ट्रिंग लिटरल है तो इसी तरह से जब आपने इस लाइन पे आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और प्रोवर्ब तो एक्चुअली ये आपकी मेथड कॉल थी और ये आपकी स्क्रीन पे प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट आउटपुट जनरेट करेगा तो बहरहाल ये इन चीज़ों की फ़र्दर डिस्कशन हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगी तो यहाँ पर बेसिक आपको आइडिया ये देना था कि एक जावा की फाइल जो है उसमें किस तरह से कोड मेंशन किया जा रहा होता है